जो यहाँ पे खेत देख रहे हैं आप, तो उनको देख के लगता है कि यहाँ पे बहुत अच्छी खेती रही होगी अपने समय पे, क्योंकि इसके ठीक नीचे एक नदी बहती है। लेकिन अब गांव वालों ने इन मकानों को छोड़ दिया है और मानव आवाजाही के निशान बिल्कुल ही यहाँ पर हमको नहीं मिलते हैं। जय देव, मैं हूँ आपका अपना दगड़िया हिमालयन स्नाइपर डॉक्टर निर्मल सिंह बसेड़ा। मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ वो है NH9 और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं श्री नव दुर्गा मंदिर। इस नव दुर्गा मंदिर की कहानी शुरू होती है 1952 से। कहते हैं कि ठीक इस जगह पर 1952 में एक PSC के जवानों से भरा हुआ जो ट्रक था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिनके नाम का स्मारक यहाँ पे लगा हुआ है। इस स्थान पर 8वीं बटालियन PSC बरेली के सिपाही मोटर दुर्घटना के कारण 25 फरवरी 1952 को स्वर्गवास हो गए। तो उसके बाद इस जगह पर इस मंदिर का निर्माण किया गया जिसका नाम है नव दुर्गा मंदिर। तो एक कहानी है 1952 की। कहते हैं कि जब उन लोगों का यहाँ पे वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ था तो उन लोगों ने अपने बचाने के लिए गुहार लगाई, लोग चिल्लाते रहे बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन उसके ठीक सामने आप देखेंगे इन झुरमुटों के पीछे एक गांव है जिस गांव का नाम है मुवाला। अभी हम वहां पे जाएंगे। कहते हैं कि उस गांव के लोगों ने उनकी चीख पुकार का कोई जवाब नहीं दिया और उन सिपाहियों के पास जो कीमती वस्तुएं थी जैसे घड़ी पैसे जो भी इनकी कीमती वस्तुएं थी उन्हें उठाकर वो चलते बने और जो घायल लोग थे इलाज के अभाव में उन लोगों ने यहाँ पे दम तोड़ दिया। और उसके बाद से लगातार गांव के निवासियों को रोज़ अनेक प्रकार की आवाज़ें सुनाई देने लगी। तो कई लोगों ने कहा कि उन सिपाहियों का जो स्वर्गवास हो गया था जिनका, तो वो लोग भूत प्रेत के रूप में इस गांव में वास करने लगे हैं, जिससे इस गांव के लोग इस गांव को छोड़कर यहां से 1 किलोमीटर ऊपर वहां जाकर बस गए। आज भी कहते हैं कि इस गांव में सूर्यास्त के बाद जाना मना है, जबकि उस गांव को अगर आप देखेंगे तो बड़े सुंदर से खेत हैं, बहुत बड़े खेत हैं जिसमें बहुत अच्छी सी फसल होती है। लेकिन वो गाँव आज निर्जन है, वहाँ कोई नहीं रहता। तो आज की पड़ताल उसी गांव में आखिर क्या है स्वाला मुवाला के उस भूतिया गांव का रहस्य, तो आप बने रहिए मेरे साथ। तो चलते हैं उस गांव के पड़ताल की ओर। तो उस गांव का रास्ता आगे के मोड़ से प्रारंभ होता है, तो चलिए उस गांव की ओर चलते हैं। यहाँ पर परिहार भोजनालय है और परिहार भोजनालय के बगल से ये रास्ता जाता है स्वाला गांव की ओर। 2 किलोमीटर का लगभग ट्रैक है, उसके बाद देखते हैं आखिर क्या कहानी है वहाँ की। तो आप चलिए मेरे साथ बने रहिए, तो देखते हैं इस गांव का रहस्य। नीचे को उतर तो रहा हूँ लेकिन हवाओं में अजीब सी गंध महसूस हो रही है। अब पता नहीं वो गंध है किस चीज़ की, और शाम भी होने को है और ये कहा जाता है कि इस गांव में सूर्यास्त का जाना मना है, इसलिए जितना जल्दी हो सके पहले नीचे जाकर इन बंद पड़े मकानों का रहस्य जानते हैं और पता करते हैं
क्या था यहाँ, अगर हमें कोई मिल जाएगा बात करने के लिए तो अच्छा है, लेकिन उम्मीद नगण्य है, बहुत जीरो के बराबर है। चलिए चलते हैं। एक कुत्ता मेरे साथ साथ चल रहा है, शायद ये रास्ता बता रहा है मुझे। गांव पहुंचते ही आप सामने तारबाड़ देख सकते हैं, पूरे गांव को तारबाड़ से कवर किया गया है। अब पता नहीं इसका क्या उद्देश्य रहा होगा, और यहां पे आप पानी की लाइन भी देख सकते हैं जो वर्षों से सूखी पड़ी है। अब तो इनमें पानी भी नहीं आता होगा, तो इन तारबाड़ से होते हुए एक छोटा सा रास्ता दिख तो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है यहाँ का इतिहास। तो अधिकतर जो घर हैं वो पूरे बंद हैं, छतें टूट चुकी हैं और रास्ते उजाड़ हैं। जब यहाँ पे बसावट रही होगी तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे बसावट रही होगी, पूरे पहाड़ी स्टाइल के मकान बने हैं, गोट और ऊपर रहने की व्यवस्था। लेकिन अब सब समाप्त हो चुका है, लुट्टे ज़रूर यहाँ पे बने हैं। इस गांव के जो खंडहर बता रहे हैं, कभी ये गांव जब आबाद रहा होगा तो बहुत ही प्रगतिशील और बहुत संपन्न रहा होगा, क्योंकि अगर मैं आपको गाँव को तो गांव के जो सारे मकान हैं सब साथ साथ बने हुए हैं और चारों तरफ ये नीचे आप देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े खेत यहाँ पर हैं। जो यहाँ पे खेत देख रहे हैं आप, तो उनको देख के लगता है कि यहाँ पे बहुत अच्छी खेती रही होगी अपने समय पे, क्योंकि इसके ठीक नीचे एक नदी बहती है। लेकिन अब गाँव वालों ने इन मकानों को छोड़ दिया है और मानव आवाजाही के निशान बिल्कुल ही यहाँ पर हमको नहीं मिलते हैं। सारे मकान एक साथ लगे हुए हैं, कुत्ते यहाँ पे टहल रहे हैं और छतों में बंदर। ऐसा लगता है कि शायद दिन दिन में यहाँ पर लोग आते होंगे, लकड़ी कटी हुई है और शाम होते ही यहाँ से लोग चले जाते हैं, क्योंकि कुछ पुराने कपड़े भी यहाँ पे लटके पड़े हैं। लेकिन लोगों के रहने के कोई निशान यहाँ पे नहीं दिख रहे कि लोग यहाँ पे रहते भी होंगे। सब बंद है, हर घरों में ताला लगा है, सारे दरवाजे बंद हैं। बंदर ज़रूर आपको यहाँ पे दिखेंगे, घरों की हालत बहुत बुरी है। सारे घर एक ही पैटर्न के बने हुए हैं, साथ चिपके हुए और सारे बंद हैं। ये आप देख सकते हैं, जब यहाँ पे खेती होगी तो ये बैलों के गले में बांधने वाला जुआ यहाँ पर ज़रूर रखा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि यहाँ पे लोग रहते होंगे। खेत सारे
बंजर से ही है। सामने वो रोड दिख रही है आपको और लकड़ियाँ भी अब सड़ चुकी हैं मकानों की, छतों के जो पाथर हैं वो भी हिल चुके हैं। और ये आखिरी घर है इस गांव का। इसके बाद अगर आप देखेंगे नीचे एक छोटा सा मंदिर भी मुझे दिख रहा है, एक बड़ा सा पेड़ है, लेकिन घरों में अब कोई नहीं। अब जो कहानी है इस गांव के खाली होने के पीछे वो सत्य भी प्रतीत होती है कि शायद लोगों को गिल्ट रहा होगा कि उन्होंने समय पर किसी की हेल्प नहीं की, इसीलिए उस आत्मग्लानी से वो लोग इस गांव को छोड़कर चले गए। या जो हकीकत में कहा जाता है कि उन लोगों की आत्माएं यहां भटक रही हैं इसलिए ये लोग गांव छोड़ कर चले गए। कुछ भी हो सकता है, हम सनातन धर्म को मानने वाले ईश्वर का अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, तो वहीं भूत प्रेतों का अस्तित्व भी हिंदू धर्म में माना जाता है। कुछ सवालों के जवाब मुझे नहीं मिले, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कहानियाँ लोग इस क्षेत्र के बारे में कहते हैं, इस गांव के बारे में कहते हैं, वो गलत हों। लेकिन लोगों का अचानक इस गांव को छोड़कर चला जाना वाकई प्रश्न तो खड़े करता ही है। अभी भी जो सवाल हैं भविष्य के गर्भ में हैं कि क्या कभी लोग लौटेंगे इस गांव की ओर, क्योंकि ये जो वीरान पड़े गाँव हैं, ये जो घर हैं, वो अभी भी अपने निवासियों को याद कर रहे हैं और इनको देख के लगता है कि जब बसावट रही होगी तो कितनी जिंदादिली यहाँ रही होगी। एक साथ लगे हुए घर अभी भी अपने रहने वालों को याद कर रहे हैं। फिर चलिए, फिर मुलाकात होगी एक नए सफ़र की ओर। तब तक के लिए डगरियो हलेरिया, मैं आपका अपना डगरिया हिमालयन स्नाइपर डॉक्टर निर्मल सिंह बसेड़ा स्वाला गाँव से। Thank you.